अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे हैं और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल। मेरा नाम है जमी। मैं हूँ तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शुएब अख्तर का बना इंडिया में आधार कार्ड। तो पहले नंबर तो बात यह है कि इंडिया में आधार कार्ड उसी को बनता है जिसको नेशनलिटी होती है, सिटीजनशिप मिल जाए और हुकूमत दे सकती है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नहीं, मुझे तो खुद दिल्ली बहुत पसंद है और मेरा दोस्त भी आज हम सब लोग इसे पता है कितना टाइम इंडिया में गुजारता था। बाकी आधार कार्ड तो मेरा बन गया है। आई रियली मिस्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ यू नो वर्किंग देयर। मुझे काम करने का बहुत मजा आता है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। और मुझे हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों। वर्ल्ड क्रिकेट में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फाइनल होना चाहिए बस। इंडिया को मिस करते हैं, इंडिया को कितना मिस करते हैं? नहीं, मुझे तो खुद दिल्ली बहुत पसंद है और मेरा दोस्त भी आज हम सब लोग इसे पता है कितना टाइम इंडिया में गुजारता था। बाकी आधार कार्ड तो मेरा बन गया था, तो बाकी तो और कुछ नहीं रह गया था। जितना मैं इंडिया में काम कर रहा था तो इंडियन सारे कह रहे थे तो भाई यार घर ही ले लो आप, इतना काम करते हो आप यहाँ पे तो। बट आई रियली मिस्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ यू नो वर्किंग देयर। मुझे काम करने का बहुत मजा आता है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। और मुझे हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों, लेकिन बहुत करते हैं। और मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ दिल में कि मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँ मेरा दिल दुखे। एशिया की बात नहीं, वर्ल्ड कप की इच्छा कर दिया, फिर वो भारत पाकिस्तान देख देगा कब का मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, बस हम दोनों फाइनल खेल रहे हैं, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में फाइनल खेल रहे हैं। बस ये मैं देखना चाह रहा हूँ और यही होना चाहिए बस। वर्ल्ड क्रिकेट में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फाइनल होना चाहिए बस। और मेरा दोस्त का जो मेरा दोस्त सीईओ संजय गुप्ता है, उसका चैनल बड़ा होता ही जाए स्टार स्पोर्ट्स का, सिंपल मेरी ये एडवाइस। यार जहाँ पे भी हो, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पहले तो पाकिस्तान होना चाहिए, अगर नहीं होता तो माय हार्ट गोज आउट फॉर श्रीलंका, श्रीलंका में होना चाहिए। विराट कोहली बात करें, दोबारा की तरफ फॉर्म में आ गए हैं वो, बल्लेबाज दोबारा शेड वापस, वो तो उसने आने था वापस यार, उसने तो 110 शो करने हैं, उसने तो फॉर्म में वापस आया था। नथिंग न्यू फॉर मी। कप्तानी का दबाव उस पर रहा था, फाइनली वो फ्री हुआ, मेंटली फ्री हुआ है। अब वो बड़ा फोकस होके, बड़ा आजादी के साथ और बड़ा ओपननेस के साथ, जो उसका माइंड जो केज्ड हुआ हुआ था वो खत्म हो गया। अब वो बड़ा प्लेयर है, अब वो बड़ा मजे से अपना खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, शो कर रहा है। ही इज थैंकिंग हिज फैमिली, ही इज लकी स्टार्स, दैट्स व्हाट ही शुड कंटिन्यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब शुएब अख्तर का इंटरव्यू था, इंडिया को बड़ा मिस कर रहे थे। सही बात, हमने भी काफ़ी शो देखे हैं जिसमें शुएब अख्तर जो है वो ज्वाइन होते थे उधर सोनी पे और ज्यादातर वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे डिबेट होती थी साथ। लेकिन ये भी है, जब डिबेट होती थी ना भाई साहब, पाकिस्तान की अच्छे से स्पोर्ट तो वैसे भी करना बनती है, जब पाकिस्तान की बात होती थी तब गुस्सा कर लेते थे। नहीं, शुएब अख्तर बेशक इंडिया को सपोर्ट भी करता है, इंडिया के अंदर जाता रहता भी आता भी, लेकिन इंडिया वो हकीकत जो है चेहरा इंडिया के जितने जो ठीक नहीं है वहाँ वो ठीक बोलता है, फिर ये गलत है यहाँ पे ठीक है बोलता, सीधे मुंह पे बात करने वाला बंदा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्या अगर वसीम अख्तर, शुएब अकरम, वसीम अकरम और शुएब अकरम और फरीदी और इस तरह के वकार यूनुस टाइप और कुछ और प्लेयर्स, अगर ये इंडिया में होते ना तो मेरा मानना ये है कि आज लेजेंड जो लेजेंड है इनके ना वो क्या कहते हैं मुजस्मे नहीं होते पुतले, वो उनके उधर बन गए होते और इतनी इनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो असल में हमारे यहाँ पे ना अगर कोई बंदा इस तरह का बन जाता है ना तो हम तकरीबन ऐसे हमने कभी नहीं देखा कि कोई अपनी जिंदगी में जिंदा है और हम उसको लेजेंड कहे। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर उतनी कदर नहीं है, उतनी नहीं है। नहीं, पुतले के अलावा मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि जितनी उसकी होनी चाहिए ना वो कदर नहीं करते। अगर अब्दुल कदीर के मामले में अगर हम देखें ना तो हमने उसकी कदर वो नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, जो हमें उसको हमारी हुकूमत ने कभी सोचे नहीं था। अगर हम इस सिनेरियो को उधर देखें तो जो उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे
तो वो क्या थे, उनको उठा के उन्होंने कहां से कहां ले गए, और एट द एंड तक भी वो, मतलब जब वो इस दुनिया से गए हैं तब भी वो लोग अभी भी उनको मिस करते हैं कि यार उनके भाई साहब, तो ये चीजें हैं। बात आ जाती है भाई, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की उनकी डेथ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस वक्त। नहीं नहीं जी, डेथ हुई नहीं, अभी हुआ है इमरान खान के दौर में, कब हुआ है? चलो फार्मर तो थे लेकिन हमारी हमारी हुकूमत जो है पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होके हमारे ही मुल्क के बंदे जो एमएलए थे वो उसके खिलाफ बोल रहा था। ऐसे ही है, अब उसने कहा मैं कलाम भी नहीं बख्शूंगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए। ऐसे ही है, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए था, क्योंकि उसने निबलर जो दिया भाई साहब, ऐसे ही गलतियां लोगों को देते हैं। गलती इंसान गलती का पुत्र, गलतियां हो जाती हैं। क्या गलती उसने गलती कुछ, जो ये सियासतदान गलतियां खुद कर रहे हैं। गलती की कि वो पाकिस्तान में एटम बम बना के, ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने ये बना दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ नीचे से नीचे बैठे हुए। बस क्या है, एटम है हमारे पास, चाट लो इस एटम को, इकॉनमी को ऊपर ले जाओ उसको चाटते चाटते। तो इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात की जाए तो भाई जो यासर भाई, जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, इनमें ये फर्क है। यहाँ जिस खिलाड़ियों का आपने नाम ले, इससे हटके भी बड़े बड़े, बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के, दुनिया में फेमस, दुनिया के स्टार भी हैं इंडिया की तरह, लेकिन जो इंडिया के अंदर रह के इंडिया के खिलाड़ियों को इज्जत मिलती है, उतनी इज्जत हमारे मुल्क में नहीं है। तारक रिकॉर्ड की बात नहीं है, रिकॉर्ड जो है ना वो तो सारी कंट्रियों ने बनाए हुए हैं, परफॉर्मेंस देते रहते हैं, लेकिन ये इंडिया जो है वो तवज्जो फोकस बहुत अपने बंदों पे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री, चाहे कोई भी। खान इतना बड़ा सिंगर था, मरने के बाद हमने, हाँ पैसे भी उनके पास बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। नुसरत फतेह अली खान को मरने के बाद जी हमने कहा जी बड़ा लेजेंड है, अच्छा पहले कभी भी नहीं बोला। मजे की बात ये है कि जितने नूरजहान थी, इंडिया वाले कहते थे कि भाई आप आ जाओ, आप मतलब इधर रह लो, इधर घर ले लो, लेकिन फिर भी अगर वो अदनान सभी की तरह जाना चाहते तो जा सकते थे, मौका मिल। अब यहाँ के पाकिस्तानी अगर इस टाइम भी अगर किसी पाकिस्तानी को मौका मिलता है ना, तो वो चाहेगा कि ठीक है यार इस वक्त तो ये जाएंगे, इस वक्त जाएंगे, इस वक्त पक्का जाएंगे। जिस तरह के हालात, शुरुआत में इंडस्ट्री भी चलती थी, सारा कुछ होता था, लेकिन अब जो हालात है वो ज़्यादा गंभीर ही होते जा रहे हैं। और बाकी ये भाई साहब के क्रिकेटर्स जो हैं वो इंडिया की, जो मैंने काफ़ी वाम देखी वो शुएब अख्तर से अच्छा समझ, ज़्यादातर जो दोस्ती है ना इंडिया में हमारे मुल्क से, वो ज़्यादा दो बंदों की मेरी अपनी सोच है, वो है शुएब अख्तर और अफरीदी, जिनको ज्यादा पसंद किया। बाद में ये भी कंट्रोवर्सी हुई है कि शुएब अख्तर जो है वो पहले इधर जब इंडिया में जाते थे तो इंडिया की तारीफें करते थे, और जैसे ही खिलाफ होते तो जहर उगल देते, तो ये भी चीजें फेमस नहीं, वो खिलाफ नहीं है। मैंने तुझे पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, शुएब अख्तर अच्छा पिछले दिनों देख रहे, उसने बाबर आजम क्या कह दिया है, कहने वाली बात है, ये अनपढ़ बंदा है, इसकी वजह से इज्जत में कमी आ रही है, विराट कोहली पढ़ा लिखा है, ये भी स्टार दुनिया का बन गया, दुनिया का स्टार है बाबर, लेकिन ये पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इस इज्जत में कमी है। विराट कोहली एक बड़ा खिलाड़ी है, हम भी मानते हैं बड़ा है, लेकिन वो इंग्लिश बोलता है पानी की तरह, तो ये शुएब अख्तर ने कह दिया बाबर को, और इसको हमारी मीडिया ने वो लानते भेजी शुएब अख्तर को, आम बंदों ने, ठीक है, क्योंकि ये बंदा सच बोलता है, वाकई बाबर पे मैटर की हुई है। और देखते हैं भाई आधार कार्ड कैसे मिल गया, मुझे ये समझ नहीं आया, मोदी जी हैरान जो टाइटल था वीडियो का, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो, मिलते नहीं मिलते, आधार कार्ड किस बेस पे बनता है वो भी मतलब, हाँ वो सिटीजनशिप देने की बात हुई थी या नहीं, तो ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।